चंद्रनगर मंडल में एक बैठक चॉइस बैंकट हॉल में संपन्न हुई। बैठक में भारत रत्न यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। इसके बाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजयी पार्षदों का सम्मान किया गया। सभी पार्षदों ने उन्हें विजय श्री प्रदान कराने के लिए किए गए अथक प्रयास करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता और मुख्य वक्ता जयपाल सिंह व्यस्त रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शम्मी भटनागर ने की और संचालन शक्ति शर्मा और सुधांशु कौशिक ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में गिरीश वर्मा, वीरपाल सिंह, राहुल शर्मा, हरीश बोरा, सुधांशु कौशिक, अरुण लता रस्तोगी, गिरीश शर्मा के साथ और भी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर कृपाल सिंह, रोहित चौधरी, महेश सैनी, द्रुपा देवी, प्रिया सिंह, प्रदीप शर्मा, कमला वर्मा, अशोक सैनी, रजनी सैनी, हरीश बोरा, कुलदीप बिश्नोई के साथ और भी लोगों को सम्मानित किया गया। श्रीमती द्रौपा देवी वार्ड 3 से पार्षद हैं और नौ पुराने कार्यकर्ताओं का साथ ही मिले और इनराम स्वागत। मैं श्रीमती अनुराधा रस्तोगी से निवेदन करूंगा, विश्वास है श्री प्रिया सिंह जी, हमारे प्रिया सिंह जी, उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगा, अंगवस्त्र प्रदान करने सम्मानित करें। ये सभी पार्षद पदाधिकारियों का मान सम्मान रखते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं को का निस्तारण कराएंगे और कभी भी अपने आप को पार्टी से ऊपर नहीं समझेंगे। मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं समीर भटनागर जी, गिरीश वर्मा जी महानगर महामंत्री 14 से चुनाव जो आज तक की एक मिसाल है कि पहली बार इतने पार्षद हमारे चुन के आए, इसके लिए सभी महानगर और मंडल की टीम बधाई की बात है। मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसी के साथ साथ उन लोगों को बहुत धन्यवाद जो लोग मैं जीत कर आए, और मैं कहना चाहूंगा कि सब जैसे अभी वर्मा जी ने बताया, राहुल जी ने बताया कि जो जीत के आए हैं वो अपने को, जो अब तक लोग अपने को अलग समझते रहे जीतने के बाद, मैं चाहूंगा कि सब संगठन के साथ ही मिलकर काम करें तो शायद ज्यादा फायदा होगा। महानगर को हम स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखते रहे और जितनी बार भी अभियान चला मेरे ख्याल से उसमें संगठन को कभी शामिल नहीं किया गया, और उसका परिणाम भी ये रहा कि वो स्मार्ट सिटी में शामिल होने से शायद रह गया, क्योंकि हम ना अपनी सफाई पे ध्यान दे पाए ना कर पाए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।